अभी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली चीज जो है वो अभी पैसे में भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है उसको ले बहुत दिनों के बाद खाए तब लग रहे स्वाद ही आ गए प्रीमियम परांठा जिसको गाइस इसको मिर्चें तो लगी हैं पर भाई ये नाच के निकाल रहा है उनको। हाय गाइस राम राम वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज अब मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ बिल्कुल सुबह से। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और एक नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और आज बाहर ना अच्छा मौसम है, सुबह सुबह ही मस्त धूप खिली हुई है। और गाइस बहुत दिनों के बाद सूर्यदेव जी वो सुबह सुबह आए हैं। एक दो हफ्ते से जो था ना काफ़ी बारिश चल रही थी, सुबह सुबह ही बारिश स्टार्ट हो जाती थी और मौसम ऐसे ही रहता था, कभी धूप निकलते थे कभी नहीं और बारिश का भी पता नहीं चलता था कब बारिश पड़ जाती है। लेकिन रांची में ना मौसम अच्छा है, ठंडा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और अभी ना मैं रुद्रांश को उठाऊँगी, मस्त मज़े से सोया हुआ है। देखो अभी इसको उठाती हूँ, बहुत मस्त मज़े से सोया हुआ है। और अभी मैंने घर के काम फिर की भी कोई स्टार्टिंग नहीं की है, बस अभी शुरू करूँगी क्योंकि आज है रुद्रांश को छुट्टी क्योंकि इसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चले हुए हैं तो रिवीजन के लिए हॉलीडेज हैं बीच बीच में। तो अभी इसको उठाती हूँ अभी 7 बज के कि थोड़ा सुबह सुबह पढ़ भी लेगा नहीं, फिर बोलता है ये आगे खेलना ये आगे खेलना, मैं जाऊँ। बस आपको बच्चों का पता ही है यही रहता है। तो अभी मैं फटाफट से इसको उठाती हूँ पहले तो क्या नखरे हो रहे आर्ष, उठ गया पुत्र अर्षी। तो अभी गाइस इसको उठा लेती हूँ, फिर थोड़ा पढ़ना बिठाती हूँ, फिर जाऊँगी किचन में। फिर किचन में क्या बनाऊँगी मैं आज? मैं बनाऊँगी परांठा और बस परांठे बनाऊँगी मूली का क्योंकि मूली लाए हुए थे, ये ऐसे ख़राब हो जाएगी, सैलड में भी नहीं खा रहे हैं कोई। और तो आज बना ही देती हूँ परांठा और साथ में दोपहर के लिए राजमा डाल देती हूँ बॉयल करने। फिर इसको पढ़ाते हैं, लेकिन इसको उठाना ही खाला जी का बाड़ा है, कैसे उठाऊँ इसको, उठता ही नहीं है सुबह सुबह। गाइस देखो उठ भी गया है, नहा धो भी गया है और अब फिर सो रहा है। अर्श जल्दी उठ, इधर देखो, हाय करो। हाय गाइस तो बोलते हैं पहले बेटा, हाय तो सामने बोलो, हेलो, हाय। शर्माता बहुत है बोलते हुए, पता नहीं इसको क्या होता है, क्या शर्म खा जाती है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ए रैपर कहाँ फेंका था तूने? चोको पाई खाया सुबह सुबह ही, एक तो सुबह सुबह खाते नहीं है और सुबह सुबह ही लिया और कहाँ फेंका था? डस्टबिन में डाल सकता था। हैं? बहुत दिनों के बाद खाए तब लग रहे स्वाद ही आ गए। प्रीमियम परांठा जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। अच्छा जी, ये मक्खन भी था यार, भूल गए थे। ठीक है, सब्जी भी बची है थोड़ी सी, क्या हुआ? ये एकदम प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम वाले बनाया करो, मतलब सारे छोड़ो। हाँ, मूली और प्याज मजा आया, धनिया नहीं है यार, पर धनिया की तो बात ही क्या करनी है आजकल, धनिया पता है कितना महंगा है। हाँ, 40 रुपए का 100 ग्राम मिलता है, जो सब्जी में फ्री देते थे लोग, 80 रुपए 100 रुपए पाव मिल रहा है। हाँ वो है भाई, ऐसे लेते 10 रुपए का वो तो एक ही बारी में खत्म हो जाएगा, पहले फ्री मिल जाता था सब्जियों के साथ में, आजकल धनियों का भी भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है भाई। कभी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली चीज जो है वो अभी पैसे में भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है उसको ले। हाँ देखो धनिया की तो बात ही है करनी, जो कभी कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता था वो आजकल 300 रुपए किलो है, तो उसको लेना। धनिया धनिया मत सोचो, धनिया धनिया मत सोचो ज्यादा।
आलू में भी तो यार परांठे में धनिया पड़े तभी मजा आता है ना। तो आलू भी महंगे हो गए, लगाना पड़ेगा धनिया। आलू का पराठा, मेरे को पराठा दे दो। ओके देते हो, ले आ जल्दी फिनिश कर बेटा और फिर फटाफट लर्न करो, पेपर आज की छुट्टी है, कल एग्जाम है। गाइस तो खुरापाती इसके माइंड में आती रहती है, अब मिर्ची लेके पापा के पास खड़ा हो गया कि स्पाइसी चैलेंज करो हरी हरी मिर्चियों को। और ये मिर्ची इतनी तेज है ना, इतनी खुशबू आती है ना इनकी, घर वाली मिर्चियां लगती है बिल्कुल। लाई तो मार्केट से है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, मन करता है कि नमक और मिर्ची पीसो, खीरा खाए। नागा मोटी होती है थोड़ी, लेकिन ये बहुत तेज है, मतलब मैं खा लेती हूँ मिर्ची तो मैंने सोचा मैंने दो टाइम में खाई हाफ हाफ। चलो खाओ खाओ, तो करना है चैलेंज तो फिर खाओ। अभी नहीं मत खा अर्श, बहुत मिर्ची है बेटा, मैंने दो टाइम में खत्म की। नहीं खाई जाएगी बेटा, खीरे में पीसूंगी, दोपहर को पीस के रखूंगी। किसी दिन करेंगे हम स्पाइसी चैलेंज, उस दिन मिर्चें खाएंगे। आज भी मैं चार मिर्चें पीस के लहसुन अदरक नमक, लहसुन नमक और मिर्ची पीस के रखूंगी, फिर खीरे के साथ देखते हैं कौन सबसे ज्यादा नमक खा डाल। देखो इनकी चीखें नहीं निकली ना, तो देखना। चल चलो अर्श अब फटाफट खा, होगी मस्ती। अब इन्होंने तो खाना छोड़ ही दिया, मैंने जब बोला कि इतनी तेज है। नहीं खाई जाएगी, तू रख ले बेशक प्लेट में। गाइस अभी ये दोपहर का टाइम, अभी दोपहर 11:30 हो रहे हैं और मुझे लंच भी बनाना है, और अर्श ने भी अभी पढ़ाई कर ली और अभी जा रहे हैं खेलने। मैं साइकिल चलाऊंगा। साइकिल चलाएगा? यहाँ पे इन दोनों की लगी हुई है लड़ाई, एक बोल रहा है बाहर खेलने जाना है तो एक बोल रहा है बाहर खेलना है। आयुष बोल रहा है साइकिल नहीं चलानी है, और अर्श बोल रहा है साइकिल चलानी है। क्यों नहीं चलानी है बेटा साइकिल? इधर आओ, बात सुनो पहले, क्यों नहीं सुना चलानी है साइकिल? बेटा चलाते हैं साइकिल, रेसिंग करेगा ना फिर बड़ा होके आयुष। हाँ पैर की एक्सरसाइज होती है, आराम से चलानी है पर। अच्छा जी, अभी निकल गए हैं दोनों की हम थोड़ी साइकिल चलाते आते हैं। आयुष मना कर रहा है नहीं साइकिल नहीं चलानी है, ऐसे खेलेंगे। तो गाइस मैं भी बना लेती हूँ फटाफट से लंच। गाइस अभी दोपहर का टाइम, तो मेरा लंच बन गया है, लंच पे मैंने बनाया है राजमा चावल रायता है बेटा, कड़ी नहीं है रायता है, थोड़ा सही है। और यहाँ पे ऑनियन कटा है सैलड के लिए, अभी खीरा वगैरह काटूंगी। और अर्श की मस्ती देखो, अब इसकी पिटाई है करने को, और नहीं कुछ बेटा पढ़ ले, कल एग्जाम है। मैं तो बोल के थक गई इस लड़के को, मस्त में सुलाती हूँ तेरे को, उठ जल्दी। यहाँ पे जैसे कि सुबह अर्श की पापा के साथ लगी थी क्या चैलेंज, कि बोला था पापा चैलेंज करो मेरे साथ, ये मिर्ची जो ना बहुत तेज है, जैसे मैंने आपको सुबह ही बनाया था। तो मैंने यहाँ पे लहसुन रख लिया है, मिर्च रख ली है, थोड़ा सा जीरा नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें ढालूंगी हींग, अर्श हींग का डिब्बू ले गया, और नमक पीसू। और गाइस अभी मैं नमक पीस रही हूँ, तो मिर्ची कैसे पीसी जाएगी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, सिलवट्टा तो है नहीं मेरे पास। पहले लहसुन को पीस लेती हूँ इसी में, ये बोला है तू आज नमक बना के रखना, उसके साथ हम खाएंगे खीरा। गाइस तो अभी यहाँ पे मैंने नमक भी पीस के रख दिया है, थोड़ा दरदरा ही पीसा है, और बस अभी काटूंगी खीरा। और बाकी अर्श काफी देर से वेट कर रहा है स्पाइसी चैलेंज का, देखते हैं, एक खीरा तो इसके भर के मिर्च खाया नहीं जाएगा। उठ जाए इस चैप्टर को, कब करेगा? कल पेपर फिर करेगा पेपर से आके। गाइस तो अभी अनुज भी आ चुके हैं ऑफिस से, और हाँ हाँ बहुत थके हुए हैं ना, देखो नींद आ रही है। हाँ, इसको आधा घंटा बैठना इसको लेकर, फिर लगा पता कौन मजे ले रहा है। एक घंटा पढ़ाई किया,
इसको बैट लेके बैठा करो। सर में दर्द लगा रही है, अभी एक चैप्टर बच गया है याद करने को, अभी तो रोने लग गया था। और चैलेंज के लिए बहुत मैंने खाना भी रख दिया कि खाने के साथ ही खा लेते हैं अर्श, तो नहीं ये देखो मैंने स्पाइसी चैलेंज करना है, तो मैंने बिल्कुल ये तो मैंने बता दिया गाइस को कि मैं दरदरा नमक पीसती हूँ, क्योंकि मिर्चियों को देखकर ना मुझे घर की याद आ रही थी, मैं कब से सोच रही थी कि मैं पीसू नमक और खीरे के साथ खाऊं। पर खीरे कम है घर में, तो पूरी थाली भर के खीरे होती है ना देसी खीरे घर के, ऐसे नहीं पानी भी दे दो। और गाइस यहाँ पे इसने ना नमक फुल भर लिया है, और लगेगा पता बाद में क्या खुश हो रहा है, लगा भी रहा है कि नहीं लगा रहा है पहले बता मेरे को। नीचे नहीं, नीचे नहीं, गिर गया नीचे, नहीं खाया अर्श ने, नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? इतनी मत खा। मत खा अर्श, चैलेंज चुलेंज कोई नहीं बेटा, फिर बीमार होएंगे तो आम लगेगा ना ज्यादा। पानी नहीं मिलेगा वो बंद हो गया है। मैंने भी खाना है एक, मुझे भी दो। ये कब से लगा हुआ है खाने के? आज बस बेटा नमक कम। खुशबू ज्यादा खाई। देखो मिर्चा लगी नहीं भाई, जिसको मिर्चा तो लगी है पर भाई ये नाच के निकाल रहा है उनको। बेटा पानी पी ले, कुछ नहीं होगा, लाल हो गया देखो। मुंह देखा इसका, लाल हो गया। नाच के निकाल रहा है ना, तेल मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन जीता मैं हूँ, मैंने तो पी लिया भाई, लेकिन जीता मैं हूँ। हाँ ये जीता, इसने पानी नहीं पिया अभी भाई, बंदे के मानना पड़ेगा गर्स भाई। मुंह लाल हो गया लेकिन पानी पीने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। तो पी लिया भी। अच्छा आपको कैसा लगा स्पाइसी चैलेंज करके? बहुत बढ़िया, मजा आया। किसी दिन पूरा दिन स्पाइसी चैलेंज होगा। ठीक है करेगा, मिर्ची वाला परांठा खाना पड़ेगा। ठीक है खा लेगा, बिल्कुल रेडी है, बोल रहा है स्पाइसी चैलेंज करो, मिर्ची वाला एक भाई वाला। हालत खराब है बंदे की। खाने मिलो, जीत गए अब, इतना लंबा नहीं रखा। आपके क्या हाल है? आपके क्या हाल है? हाँ बताओ। खा तो रहा हूँ देखो। आपको पता है कितनी मिर्ची डाली थी इतने से नमक में, और मिर्चे हैं बहुत तेज, बिल्कुल फिनिश कर दी हैं, और हमारा मुंह ऐसे बन गया, अर्श का भी मुंह बिल्कुल ऐसे हो गया है लाल, लेकिन बंदा मान नहीं रहा है, बंदा बेसिन पे जीवित। ठीक है तू ही जीता है, तू ही जीता है बेटा, तू ही जीता है। साइकिल लेंगे ना माला थोड़ी, देखो इसका मुंह कितना लाल हो चुका है, कितनी मिर्ची खा ली, पसीना भी आ गया, एक तो लाइट भी चली गई इस टाइम पे। ऐसा चैलेंज नहीं करना है पुत्र, इसको ही लगी थी मैं मना कर रही थी। यार कोई बात नहीं, मत लगा लेना हाथ, और दिक्कत हो जाएगी। हैंड वॉश करके अच्छे से, नहीं नहीं हाथ मत लगाना बस। हाँ चल अब खाना खा, घी शक्कर दूं। गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है आज के बाद स्पाइसी चैलेंज नहीं करेगा। बाकी देखते हैं। सबकी निकल गई है हवा, ले ले चावल ठंडे हो गए यार। हाँ, बोल रहा है होगा स्पाइसी चैलेंज फिर से। और आज तो फिर भी रेडी है कि मैं गांव जाके चैलेंज करूंगा सबके साथ। मानना पड़ेगा लेकिन इतनी मिर्चा आ गई है। हाँ मिर्चे कितनी भी खाई खीरे के साथ, लेकिन खीरे के साथ इतनी इतनी मिर्च लगा ली, और ये मिर्च ना बहुत तेज है, बहुत ज्यादा, और मुंह इसका बिल्कुल रेड हो चुका था।
चलो अभी भी रेडी है, फिर भी हंस रहा है, गट्स देखो इसका फिर भी अपनी हिम्मत दिखा रहा है कि नहीं मैं तो खा सकता हूँ। बोलूंगा डॉक्टर से। अच्छा जो भी यूट्यूबर है उनने कौन ऐसा क्या चैलेंज किया बोलो। ओके गाइस बंदे ने बहुत अच्छा चैलेंज किया है, जीता ही ये, और इसके लिए बहुत सारे लाइक्स तो बनते ही हैं। हाँ तो देखते हैं लाइक्स कमेंट्स कितने लाइक्स बंदे को देते हो। 1 मिलियन। ये खुद वॉच करेगा अपनी वीडियो पे कितने लाइक्स है। ठीक है खाओ खाओ। ये हमेशा चैलेंज करने के लिए कि चैलेंज वीडियो बनाएंगे ऐसा बनाएंगे हमेशा करता रहता है कि मम्मा ये वीडियो बनाओ ये वीडियो बनाओ। देखो मैं कितने ले रहा हूं। जब छुट्टी होगी अर्श को तो अर्श की सारी फरमाइश पूरी की जाएगी। ये देखो और मैं कितने चावल ले रहा हूं। हाँ ठीक है चलो खाओ, अभी मैं भी खा लेती हूँ। अच्छे बनाए राजमा, ये ब्लैक राजमा पर इनका बहुत ज्यादा कलर गया, इतना कलर चढ़ा दिया है इनको, पता नहीं अब यार बाहर से ढूंढने पता चलता है कि कलर है कि क्या है। लग तो मुझे भी वही लगे वो अपने हिमाचल वाले बड़े बड़े राजमा ब्लैक वाले है, टेस्टी है बढ़िया। हाँ पर ये चित्रा ही है ब्लैक पूरा कलर ऐसे दिखला के आपको मैं दोबारा बनाऊंगी तो सुबह दिखाऊंगी। कोई बात नहीं बंदा बोल रहा है टेस्ट पे फोकस करो बाकी कोई बात ठीक है तो टेस्ट पे फोकस करते निकल रहा है कोई बात खा लो बस